हेलो दोस्तों, बड़ों को प्यारी बहन है, छोटों को राम राम। हाय गाइस। दोस्तों हम आज है 30 मार्च और हम जा रहे हैं बाबा फ्रीद दर्शन करने के लिए। रीतिका का और मोहित का रिजल्ट आ चुका है, जो 29 मार्च को आया था रिजल्ट। इनकी पोजीशन तो नहीं आई है, वैसे ये दोनों पास हैं, अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं और हम इनको दर्शन कराने के लिए बाबा फ्रीद लेके जा रहे हैं। रीतिका मोहित देखो आगे चल रहे हैं, हम जा रहे हैं बाबा फरीद, और जहाँ पर जो भी अपने सच्चे दिल से मनोकामना मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे देखो गाड़ियों की कितनी भीड़ है, बहुत दूर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और सच्चे मन से जो भी यहाँ आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। बस हम बाबा फरीद के पास पहुँच चुके हैं और अभी हम प्रसाद लेकर जाएंगे दर्शन करने। और ये बाबा फरीद के बाहर भीड़ देखो कितनी है। दर्शन कर लिए हैं बाबा फरीद में और अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी बाबा फरीद में, और हमने मन्नत मानी थी जब रीतिका और मोहित पास होंगे उसका प्रसाद चढ़ा के आएंगे बाबा फरीद में। आज हमारे घर के पास शादी भी है, जो पीछे साउंड आ रहा है ये शादी का आ रहा है, और धर्मशाला में आज पहली शादी हो रही है। और आज मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा, बारिश वाला, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये देखो रीतिका नाच रही है। जो हमारा आज का ब्लॉग था बाबा फरीद का था, हम रीतिका और मोहित को दर्शन कराने के लिए लेके गए थे बाबा फरीद में। दर्शन करा के हम अब आ चुके हैं घर पर, और हमने अपनी बाइक को एकदम रेडी कर लिया है, तो धुलवा के खड़ा कर रखा है, और हमारी कल 31 मार्च की तैयारी चल रही है कहीं बाहर जाने की। और ये हमारा आज का ब्लॉग जो भी देख रहे हो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइबर भी कर देना, और हमारे वीडियो अब कंटिन्यू जाएंगे डेली, और हमारे वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट किया करो भाई, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारा ब्लॉग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं अब।